दोस्तों स्वागत है आपका सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है मंसूर अली शाह और आप देख रहे हैं बी सीरीज। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने भेजे गए WhatsApp पर मैसेज को कैसे डिलीट करते हैं। अगर आपने कभी गलती से मैसेज इसके पास भेज दिया है और उसे आप चाहते हैं आप डिलीट कर दें, तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम अपने WhatsApp में पहले चल जाते हैं और यहाँ मैं कुछ आपके सामने दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से एक मैसेज टाइप किया हाय, और यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे मैसेज पे आ गया है हाय। तो अब हमें इसे डिलीट करना है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और डिलीट पे गए और यहाँ पे लिखा हुआ नीचे की तरफ डिलीट फॉर एवरीवन। यहाँ से हमने डिलीट किया और इस मोबाइल में आप देख सकते हैं इस मोबाइल में दिस मैसेज वाज डिलीटेड लिख के मैसेज आ गया है। अब इसको हम डिलीट एवरीवन पे गए और यहाँ से देख सकते हैं और हम वापस रिप्लाई करते हैं। यहाँ से यहाँ पर आ गया ये अब ब्लूटूथ के साथ, और इसे हम क्लिक करते हैं और इसे डिलीट एवरीवन पे किया तो डिलीट हो गया, जो कि ये काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से और इससे काफ़ी हम लोगों को मदद मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो गलती से मैसेज भेज देते हैं फिर बाद में फ़ोन करके बोलते हैं भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आज हम एक इमेज सेंड करते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज सेंड कर रहा हूँ और उसको फिर देखता हूँ ये डिलीट होता है या नहीं। देखिए हमने इमेज सेंड किया, ब्लूटूथ के साथ आ भी गया, मैंने डाउनलोड भी कर लिया। अब इसे हम अपनी गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद आपके सामने देखिए व्हाट्सएप इमेज में गया और यहाँ से फिर हमने इस पर क्लिक किया और फिर डिलीट एवरीवन पर क्लिक कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ से गैलरी से भी ये फ़ोटो हट चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा यह फीचर्स है और यहाँ पर हट चुका है अच्छी तरीके से। और आपको मैं बता दूं, ये व्हाट्सएप ने इसका नाम है नाम दिया है डिलीट फॉर एवरीवन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।